हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिया एंड एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका एनसीईआरटी का 9th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था चैप्टर फर्स्ट का, आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में। ओके तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इज अ जीरो रेशनल नंबर। हाँ, जीरो रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू रिटेन इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, है ना। पी देखिए, पी अपॉन पी हो गया है, वहां पी एंड पी अपॉन क्यू कर सकते हैं आप। तो ये कह रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, जीरो रेशनल नंबर है, बिकॉज जीरो को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, क्यू उसने बोला था क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं यस के जीरो रेशनल नंबर है। ओके ठीक है, जीरो रेशनल नंबर है, इसका आंसर रहेगा यस। ओके ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, जब आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो कि नहीं दो नंबरों के बीच में, तो आपको करना ही होगा। 3 एंड 4 के बीच की बात कह रहा है, तो बड़ा जो नंबर है उसे y कह लेना है, छोटा जो नंबर है उसे x कह लेना है। क्या कह लेना है? जो छोटा नंबर है उसे आपको x कहना है, बड़ा जो नंबर है उसे y कहना है। जब आप इस कंडीशन को कर देंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर कितने पूछ रहा है इनके बीच में, 6 नंबर, तो वो 6 ये हो जाएगा, नंबर हो जाएंगे 6। और ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, y माइनस x अपॉन n प्लस 1 लिखाया था, और मैंने कहा था ये d होगा। क्या होगा? d होगा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था उसमें ये मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन आपको आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, तो y माइनस x यानी कि 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1, यानी कि आपका आया 1 अपॉन 7। तो 1 अपॉन 7 इज d, क्या है ये? d है। अब आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, यानी कि ये आपके रेशनल नंबर है, x प्लस 4d और x प्लस 5d एंड x प्लस 6d। इस तरीके से आप इसके रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले रेशनल नंबर की बात कर लेता हूं, x प्लस डी, तो यहां पर मिला मुझे क्या? देखिए, यहां पर मिलेगा क्या कि जो x है उसमें d को प्लस कर देना है। तो x कहां है हमारे पास? 3, और d कहां है? 1 अपॉन 7। तो आपको आएगा क्या यहां? 21 प्लस 1, तो ये हो गया 22 अपॉन 7, यानी कि 22 अपॉन 7 आएगा इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर। ओके ये आएगा। अगेन हम देखेंगे तो 3 प्लस 2 अपॉन 7, तो यहां हो जाएगा 70, यानी कि देखिए 23 अपॉन 7, ऐसे आएगा 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपको आंसर मिल जाएंगे, यानी इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, यही है आपका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो सेम फॉर्मूला था, अभी मैं यहाँ करने वाला क्या हूँ, बड़ा नंबर और छोटा नंबर पहचान के एक दूसरे से माइनस करके डायरेक्टली आपको नंबर निकाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से। एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नंबर पूछ रहा है, जैसे 5 नंबर पूछ रहा है, तो इसे 1 प्लस करिए और दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर एक सेकेंड मेथड बता दे रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड मेथड है कि जैसे आपको 3 अपॉन 5 बोला, ओके, एंड यहाँ पर बोला आपको कि 4 अपॉन 5। क्या बोला? 4 अपॉन 5। ठीक है, तो आपको करना ये है, कितना नंबर पूछा? 5, तो प्लस 1 करिए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 6 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 18 अपॉन 30, और यहाँ जो मिलेगी वो मिलेगी 24 अपॉन 30। बाकी के बीच के जो नंबर है वही आपके रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, नो इशू के आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ओके तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर होगा। ओके तो ये भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्या करना है? स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनमें ट्रू और फॉल्स बताना है।
तो देखिए पहला कहा गया है आपके सामने ये वाला, सॉरी ये वाला जो दिया गया है ये है एवरी नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए यस यस के एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है उनमें नेचुरल नंबर आ सकते हैं, प्राकृतिक संख्या आ सकती है। बता दूं कि यानी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल जो होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। और जो होल नंबर होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं जीरो से, जीरो वन टू थ्री। तो देखिए ये जब ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना होल में, तो कहेंगे कि हाँ नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो यस पहले का आंसर रहेगा आपका, फर्स्ट का आंसर रहेगा यस, हाँ हो सकता है भाई। दूसरे को देख लेते हैं। सेकंड में कहा गया है आपको कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि अब ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर, देखिए इज अ होल नंबर, इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते भाई। होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं बट इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर की अभी हम बात कर चुके थे। होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जीरो वन टू थ्री, जीरो से स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में आपकी फॉर्म जो आती है वो देख लीजिए, इंटीजर में जो फॉर्म आती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो यानी कि होल नंबर जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर सकता है बट इंटीजर होल नंबर में बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, आप इसे नो लिख सकते हैं, यानी फॉल्स है ये, आप उसे नो लिख सकते हैं। ओके ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखें एवरी रेशनल नंबर, देखिए इज अ होल नंबर, नो भाई नो। एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में केवल दो ही आते हैं। रेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखें, रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इनमें जो है आपका रेशनल नंबर में जो है केवल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आते हैं। केवल क्या आते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर आते हैं ओनली, ठीक है। तो और होल नंबर, देखिए रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो। तो और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्या? जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं भाई। क्या? जीरो से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कि रेशनल नंबर होते हैं उसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी फॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ होल नंबर में आप देखिए, होल नंबर जीरो से तो स्टार्ट होते हैं और चलते हैं पॉजिटिव की वे में, तो ये पॉजिटिव होते हैं न कि नेगेटिव होते हैं। ओके तो इस वजह से कहते हैं कि ये भी आपका स्टेटमेंट नो रहेगा। ओके ये भी आपका फॉल्स रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और ये थे आपके जो है क्वेश्चंस जो कि पहली एक्सरसाइज के थे, जो कि मैंने आपको चुटकियों में करा दिए हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी आपकी ये। तो आप इस एक्सरसाइज को और मेहनत करिएगा, आरडी शर्मा से भी करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते उन्हें मुझे फॉरवर्ड करिएगा। मेरा नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा स्लाइडर में चलता हुआ, उस पर मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दीजिए या पर्सनली मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, किसी भी कारण से आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं उन सवालों का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और इसे आप देखिए और अपने क्वेश्चनों को रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।